दिवाली अपनों का त्योहार, रिश्तों का त्योहार। इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे थे और इसी दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली। दिवाली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन शुभ मुहूर्त में धन की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दिवाली पर पूजा के अलावा कुछ उपायों के बारे में भी बताया गया है। इनमें झाड़ू का उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दिवाली के दिन झाड़ू का उपाय करने से आप कैसे मालामाल बन सकते हैं। दिवाली के दिन लोग खुशियां मनाते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं और साथ साथ दिवाली के पहले घर की साफ सफाई भी की जाती है ताकि घर साफ रहे। अब घर साफ तो ज्यादातर झाड़ू से ही किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ साफ सफाई होती है और साफ सफाई झाड़ू से की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का उपयोग कैसे आपके लिए लाभकारी है। आपने कई बार देखा होगा कि दिवाली के पहले या उस दिन ही घर में नई झाड़ू लाई जाती है और ऐसा माना भी जाता है कि अपने पुराने झाड़ू को घर से बाहर निकाल दें और नया झाड़ू खरीद लाएं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर आपको पैसों की दिक्कत है, यानी आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आपको बस दिवाली वाले दिन 3 झाड़ू खरीदने हैं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रखना है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कत दूर होती है। दिवाली के पहले पूरे घर की सफाई होती है और दिवाली वाले दिन भी सफाई होती है, लेकिन कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से ही करना चाहिए और फिर इस सफाई के बाद इस झाड़ू को कहीं छिपा कर रख दे जहां लोगों की नजर में ना आए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अब हमने आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों का रखें खास ध्यान। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमने आपको पहले भी बताया कि झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इस कारण कभी भी झाड़ू को जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से है, तो ऐसे में झाड़ू का अनादर करना मतलब माँ लक्ष्मी का अनादर करना होता है। अब आप जब झाड़ू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी उसके बाद उसे खड़ा करके न रखें। हमेशा झाड़ू को जमीन में लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को दरवाजे के पीछे छिपा कर रखना ज्यादा सही माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी।